हेलो दोस्तों, रफीकुल डिजाइंस एंड टेक में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को आईफोन के बारे में बताने वाला हूँ। आईफोन 14 के लॉन्च के बारे में और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ। और आईफोन 14 के कुछ लास्ट मिनट लीक आ गए हैं। अभी सिर्फ 2 दिन ही बाकी है, तीसरे दिन आप लोगों को आईफोन 14 का लॉन्च देखने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्पॉइलर देने वाला हूँ, तो जिन लोगों को स्पॉइलर पसंद नहीं है तो वो लोग मत देखिए, बाकी जिन लोगों को स्पॉइलर पसंद है तो वो लोग देख सकते हैं। लास्ट मिनट में कुछ लीक्स आ गए। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आखिर में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के बारे में बता देता हूँ। तो आप लोगों को पता होगा शायद, या फिर मैंने पहले वीडियो पर बताया होगा कि इस बार फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल थोड़ा जल्दी होने वाला है, क्योंकि एप्पल इवेंट भी जल्दी होने वाला है। तो इन सब का मेन कारण है दिवाली जल्दी आने वाला है इस बार, तो इस बार सभी चीज़ थोड़ा पहले होने वाला है। तो एप्पल इवेंट भी थोड़ा पहले हो रहा है और फिर बिग बिलियन डे सेल भी थोड़ा पहले हो रहा है। तो अभी लीक आया है, एकदम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी 99% तो बोल ही सकते हैं। 22 और 23 सितंबर को फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर ऐसा होता है तो 22 तारीख को फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप वालों को पहले सेल मिलेगा और 23 तारीख से नॉर्मल मेंबर्स को सेल मिलेगा। तो अगर आप लोगों के पास प्लस मेंबरशिप नहीं है, अगर आप लोगों के पास सुपर कॉइन है तो आप लोग प्लस मेंबरशिप इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप खरीद नहीं सकते आप लोग, आप लोगों के पास सुपर कॉइन होना पड़ेगा। तो अगर आप लोग आईफोन्स वगैरह खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो पहले दिन ही आप लोगों को पहले 1-1.5 घंटे में ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो प्राइस हाई हो जाता है। तो इसी वजह से आप लोगों को प्लस मेंबरशिप ले लेना चाहिए अगर आप लोगों के पास सुपर कॉइन्स है। और दोस्तों, अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के बारे में कुछ लीक्स अभी तक मुझे पता नहीं चला है, लेकिन अगर फ्लिपकार्ट का 22-23 तारीख का लीक आ गया है तो कोई बच्चा भी बोल सकता है कि अमेज़ॉन का भी 22-23 तारीख के आसपास ही होगा। तो अगर फ्लिपकार्ट का 22-23 तारीख को सेल है तो अमेज़ॉन ऐसा करेगा कि 19-20 तारीख को अपना सेल रखेगा, और उसके बाद अमेज़ॉन को टक्कर देने के लिए फ्लिपकार्ट फिर से अपना डेट को पीछे लाएगा 19-20 तारीख को। तो ऐसा ही टक्कर इन दोनों के साथ चलता रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 19, 20, 21, तो इन तारीखों के बीच आप लोगों को फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का सेल देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों को कि इन्हीं तारीख को सेल देखने को मिले। और अगर आप लोगों को आईफोन या फिर कोई भी दूसरा फ़ोन वगैरह या फिर कोई भी गैजेट वगैरह खरीदना है कुछ भी चीज़ ऑफर्स में, तो आप लोगों को अमेज़ॉन का भी प्राइम मेंबरशिप ले लेना चाहिए। और अमेज़ॉन का प्राइम मेंबरशिप लेना तो बहुत आसान है, आप लोगों को सिर्फ पेमेंट करके लेना है। तो आप लोग 1 महीने का अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और आप लोग अभी से ही प्राइम मेंबरशिप और प्लस मेंबरशिप लेके रखिए, ताकि टाइम आने पर आप लोग बहुत अच्छे से सेल का फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों, आप लोगों के पास अगर ICICI, HDFC, कोटक वगैरह का क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है तो आप लोग अपने फैमिली या फिर फ्रेंड्स से कार्ड्स लेके रेडी करके रख सकते हैं, क्योंकि उन सभी कार्ड में आप लोगों को बहुत अच्छा ऑफर्स देखने को मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को एक्चुअली में बहुत अच्छा ऑफर्स का फ़ायदा उठाना है तो आप लोगों को ये वाला कार्ड भी चाहिए होगा। तो मैंने सेल्स के बारे में तो आप लोगों को बता दिया फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का, तो अभी आप लोगों को एप्पल इवेंट के बारे में भी बोल देते हैं। तो एप्पल इवेंट का कुछ लास्ट मिनट लीक आया है, मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा सच है, लेकिन लास्ट मिनट में जो भी लीक्स आता है उनका 99% सच होने का चांसेस होता है। तो आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि आईफोन 14 मिनी के जगह पे आईफोन 14 मैक्स आएगा, जिसका साइज होगा 6.7 इंच और बाकी सब नॉन प्रो मॉडल जैसा ही होगा। और अभी रिसेंटली एक लीक के द्वारा सुनने को मिल रहा है आईफोन 14 मैक्स नहीं होगा, उसका नाम आईफोन 14 प्लस होगा, जो कि सही में अच्छा है, क्योंकि 14 मैक्स और 14 प्रो मैक्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत लोगों को। तो मैक्स वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है कि प्रो मैक्स वाला मॉडल है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अगर 14 प्लस होगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी लोगों को कि हाँ, ये नॉन प्रो का 6.7 इंच वाला मॉडल है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आईफोन 14 प्लस ही होगा उसका नाम। और दोस्तों, और एक बहुत ही बड़ा लीक है जो हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे कि आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में पिल शेप और होल पंच वाला कैमरा कटआउट आएगा, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अभी रिसेंट लीक के द्वारा पता चला है कि पिल शेप और होल पंच को एक साथ कर देंगे, तो एक बहुत बड़ा लंबा सा पिल शेप जैसा होगा, तो देखने में वही पुराना वाला नॉच जैसा ही लगेगा,
लेकिन थोड़ा सा स्पेस कम कंज्यूम करेगा। तो वैसे तो होल पंच और पिल शेप दोनों अलग अलग होगा, बीच में जो थोड़ा सा खाली जगह रहेगा उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू एप्पल वाले ब्लैकआउट कर देंगे और उसके अंदर प्राइवेसी इंडिकेटर वगैरह दे देंगे। तो लीक के द्वारा यही सब पता चला है। तो प्राइवेसी इंडिकेटर आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ग्रीन लाइट जलते हैं, और अगर आप लोग कॉल पे बात करते हैं तो वहाँ पे रेड लाइट जलता है, ऑरेंज लाइट, तो उसी को प्राइवेसी इंडिकेटर बोलते हैं। और दोस्तों और एक बहुत बड़ा लीक है जो कि आईफोन्स लवर के लिए बहुत अच्छा लीक साबित होगा। तो हम लोग कुछ दिनों से बातें सुन रहे थे कि आईफोन का प्राइसेस इस बार बहुत ज़्यादा हाई होगा, प्राइस हाइक होगा इंडिया में। तो अभी जो रिसेंट लीक है उस लीक के द्वारा ऐसा पता चल रहा है कि प्राइस हाइक नहीं होगा। तो प्राइस हाइक होना था लेकिन इंडिया में असेंबल होगा, इसी वजह से प्राइस हाइक नहीं होगा, पहले जैसा ही रहेगा। अगर इंडिया के बाहर असेंबल होता तो प्राइस हाइक हो जाता। तो ये खुशी की बात है कि अगर आप लोग कोई भी आईफोन 14 का मॉडल खरीदते हैं तो पहले जैसा ही प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिर्फ आईफोन 14 प्लस जो होगा उसका 90,000 के आसपास होने का चांसेस है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आगे भी देख पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।